आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटोकार्डेट्स और इसके हम फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोकार्डेट्स एक इनफॉर्मल कैटेगरी होती है एनिमल्स की। ये इनवर्टिब्रेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है और इनवर्टिब्रेट्स के बिल्कुल क्लोज होता है। इसके अंदर जो सब फाइल है वो यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा और ये फाइलम जो है वो हेमिकार्डेटा है। प्रोटोकार्डेट्स जो होते हैं वो लोअर कार्डेट्स होते हैं। इनके अंदर प्रोटोकार्डेट्स के अंदर तीन सब फाइल आते हैं जो कि प्रोटोकार्ड की बेस के ऊपर डिवाइड होते हैं। हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा है। हेमिकार्डेट्स जो होते हैं वो मेराइन होते हैं, सॉलिटरी होते हैं और स्लो, लेकिन जो दूसरे होते हैं वो सेडेंट्री और कॉलोनियल होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो स्टाउट होती है, अनसेगमेंटेड होती है और ये वार्म लाइक होते हैं। इनके अंदर तीन डिस्टिंक्ट रीजन्स मौजूद होते हैं जिन्हें प्रॉपसिस, कॉलर और ट्रंक कहते हैं, जो कि इनके अंदर मौजूद होते हैं। इनकी सिमेट्री बाइलेटरल होती है और इनको ट्रिपोब्लास्टिक भी कहते हैं। इनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है वो ऑर्गन सिस्टम का होता है। इनके अंदर लोकोमोटरी अपेंडिजेस जो होती हैं मौजूद नहीं होती। इनकी कॉलर के अंदर आर्म्स भी हो सकते हैं और टेंटेकल्स भी मौजूद हो सकते हैं। इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो सिंगल लेड एपिडर्मस से मिलकर बनी होती है और इनके जो मसल्स होते हैं उनके अंदर स्मूथ और लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स मौजूद होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो ट्रू सिलोम से मिलकर बनी होती है और इसके अंदर तीन बॉडी डिवीजंस होती हैं, अनपेड प्रॉपसिस सिलोम, पेड कॉलर सिलोम और पेड ट्रंक सिलोम मौजूद हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर जो सेक्सेस होती हैं वो सेपरेट भी हो सकती हैं और यूनाइटेड भी हो सकती हैं। इनके अंदर गुनेट्स जो होते हैं वो एक पेयर के अंदर मौजूद हो सकते हैं या फिर सेवरल पेयर्स के अंदर मौजूद हो सकते हैं। इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है इसके अंदर। इसके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो फ्री स्विमिंग टॉर्निया लार्वा कहलाती है। यूरोकार्डेटा यानी इसको हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। ये मेराइन होते हैं और सिसाइल होते हैं, लेकिन ये फिल्टर फीडर्स भी होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो लेदरी टेस्ट के अंदर या ट्यूनिक शीथ के अंदर मौजूद होती है जो कि सेलुलोज की मदद से मिलती है और जिसे हम ट्यूनिकेट्स कहते हैं। इसके अंदर जो सेलुलोज होता है वो इसकी ट्यूनिक शीथ को बनाता है। नोटोकार्डेट्स जो होता है वो लार्वा की टेल के ऊपर मौजूद होता है और ये डर्ट्स के अंदर जो डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसको हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसके अंदर नर्व कॉर्ड यानी न्यूरल ट्यूब जो है वो लार्वा के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन जो अडल्ट होता है उसके अंदर ये रिप्लेस्ड होके सिंगल डॉर्सल गैंग्लियन बन जाता है। इसके अंदर गिल स्लिट्स या फिर जो स्टिग्मा होते हैं वो काफ़ी तादाद के अंदर मौजूद होते हैं और अडल्ट्स के अंदर परसिस्ट करते हैं और एट्रियम के अंदर ओपन होते हैं। ये एक्सटीरियरली ओपन नहीं होते। इसके अंदर ट्रू गिल्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते, लेकिन इनके अंदर जो ब्रांचियल बास्केट है वो मौजूद होते हैं। इनके अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वो ओपन होता है और जो ब्लड है वो वेनेडोसाइट से मिलकर बना होता है। इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता और इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बडिंग के ज़रिए होती है। सिफेलोकार्डेटा जो होते हैं वो भी मेराइन होते हैं और फिल्टर फीडर्स होते हैं। इनके अंदर जो नोटोकार्ड होती है वो एक्सटेंड कर जाती है सिफेलिक तक यानी हेड रीजन तक और ये परसिस्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ। इसके अंदर जो नर्व कार्ड होती है वो भी थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करती है, लेकिन इसके अंदर ब्रेन नहीं बनता। एक्सक्रीशन जो होती है वो सेलानोसाइट्स के ज़रिए होती है। गिल स्लिट्स जो है वो काफ़ी तादाद के अंदर मौजूद होते हैं और डर्ट्स के अंदर परसिस्ट करते हैं। ये एट्रियम के अंदर ओपन होते हैं। इसके अंदर ट्रू गिल्स जो है वो मौजूद नहीं होते। बॉडी वॉल मायोटाइम से मिलकर बनी होती है और इसके अंदर जो टेल होती है वो थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करती है। मायोटोम्स जो होते हैं वो इनकी बॉडी वॉल को बनाते हैं। अगर हम डिफरेंस देखें हेमिकार्डेटा और कार्डेटा के दरमियान तो हेमिकार्डेट्स जो होते हैं वो वार्म लाइक होते हैं और मेराइन एनिमल्स होते हैं, लेकिन जो कार्डेट्स होते हैं वो पानी के अंदर ज़मीन के ऊपर और हवा में रह सकते हैं। अगर हम किसी मेन डिफरेंस को देखा जाए अगर हेमिकार्डेटा और कार्डेटा के दरमियान तो हेमिकार्डेटा के अंदर एपिडर्मल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, लेकिन कार्डेटा के अंदर CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। हेमिकार्डेटा और कार्डेटा दोनों के पास फ्रेंजियल गिल स्लिट्स मौजूद होती हैं। हेमिकार्डेटा किंगडम एनिमिलिया का ही एक फाइलम होता है। इसके अंदर वो एनिमल्स जाते हैं जो कि मेराइन इन्वायरमेंट्स के अंदर रहते हैं और वो जो कि अपनी फूड जो है वो सेडिमेंट्स से कंज्यूम करते हैं या फिर डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। ये वार्म लाइक होते हैं जिसकी वजह से इन्हें ड्यूट्रोस्ट्रोम एनिमल्स भी कहा जाता है।
इनके अंदर एपिडर्मल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। ये तमाम एनिमल्स मेराइन होते हैं, हेमिकॉर्डेट्स के अंदर जो आते हैं, और इसी वजह से इसको सिस्टर ग्रुप भी कहा जाता है इकाइनोडर्म का। कॉर्डेटा की अगर बात करें तो कॉर्डेटा फाइलम के अंदर ह्यूमंस आते हैं, और दूसरे जो फेमिलियर एनिमल्स होते हैं या फिर जो हाईली इवॉल्व एनिमल्स हैं। नोटोकार्ड जो है वो इसके अंदर स्टिफ होती है, लेकिन वो डार्सल स्पोर्टिंग रहती है। इसके अंदर डार्सल हालो नर्व कार्ड मौजूद होता है। फिरंजियल गिल स्लिट जो है वो पेट की फॉर्म में मौजूद होते हैं। इसके अंदर वर्टिब्रेट्स भी आते हैं, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स वगैरह। और अगर इन वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इसके अंदर जो है ये पानी के अंदर रहते हैं, ज़मीन के ऊपर और हवा के अंदर, यहाँ तक ये तमाम हैबिटेट्स के अंदर रह सकते हैं। कॉर्डेटा एनिमल्स जो होते हैं ये ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और इसकी जो कुछ स्पीशीज़ होती हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकती हैं। इनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वेल डिवेलप सिलोम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्टिलिजीनियस एंडोस्केल्टन और क्लोज ब्लड सिस्टम मौजूद होता है। इसकी जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है, और इसकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं।